फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल से उपाय, राशि अनुसार ही आपका लकी नंबर और लकी कलर भी, पंचांग बताएंगे, दिशा शूल की जानकारी देंगे, ये भी बताएंगे कि सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें, और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को चुटके में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 26 सितंबर 2023, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी पर चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 6, लकी कलर रहेगा पिंक, लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट, राहु काल रहेगा शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक, द्वि पुष्कर योग रहेगा सुबह 9:42 से लेकर रात में 1:45 तक, दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से लेकर सुबह 10:12 तक। अब ये जो मुहूर्त है ये विशेष है क्योंकि इस मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र भी है और द्वादशी तिथि भी है और ऐसे में मनाई जाएगी विशेष वामन जयंती, वामन अवतार जयंती, भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयंती मनाई जाएगी। उसका कुछ विधान होता है कि श्रवण नक्षत्र का और द्वादशी तिथि दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में आपको बता दूं साथ ही साथ है भुवनेश्वरी जयंती, 10 महाविद्या में से एक भुवनेश्वरी माता की जयंती भी है, साथ साथ कल की द्वादशी भी है। बड़ा खास दिन माना जाता है, बेहद खास दिन। और आपको बता दूं हमारा जो विशेष उपाय है, हमारा स्पेशल उपाय है, वो भी वामन अवतार से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको घर परिवार की सुरक्षा कैसे होगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। साथ साथ आपको ये बता दूं कि दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें, अगर यात्रा करना ज़रूरी हो तो थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से निकलें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष, दाम्पत्य मतभेद के योग हैं, फंसा हुआ धन वापस मिलेगा, आर्थिक मामले सुलझाने में लगे रहेंगे, नए कारोबारी योजना बनाएंगे, लंबित कार्य पूरे होंगे। उपाय ये करें कि लाल चंदन से मस्तक पर तिलक करें, शुभंग 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, परिजनों का सहयोग मिलेगा, खर्चों में वृद्धि के योग हैं, आंखों के विकारों से परेशान रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए मसूर रखें, शुभंग 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, दाम्पत्य पक्ष सुधरेगा, कारोबार में लाभ के योग हैं, घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, पिता से अनबन के योग हैं, छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा। उपाय ये करें कि सिक्के पर लाल चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभंग 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, तरक्की के बेहतर मौके मिलेंगे, गुस्से पर संयम रखें, पिता से मतभेद खत्म होंगे, परिवार के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, संतान से खुशखबरी मिलेगी। उपाय ये करेंगे कलाई पर मौली बांधने, शुभंग 8 रहेगा, शुभंग रहेगा काला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, कानूनी मामलों में राहत मिलेगी, रुके हुए कामों में गति आएगी, कार्य क्षेत्र में लोग मदद देंगे, कारोबारी लाभ होगा, कुमारों की शादी पक्की होने के योग हैं। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर गेहूं चढ़ाएं, शुभंग 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, मनोबल में वृद्धि होगी, सेहत में सुधार आएगा, नए आय स्रोत स्थापित होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि थोड़ा सा शहद जल प्रवाह करें, शुभंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कार्यक्षेत्र सफल रहेगा, कामकाज को लेकर भागदौड़ रहेगी, मित्रों के साथ में समय बिता पाएंगे, व्यापार में विस्तार के योग हैं। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को बूंदी दान करें, शुभंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, विवादों को लेकर सतर्क रहें, खास काम के लिए योजना बनाएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। उपाय ये करें कि गेहूं के दाने जलप्रवाह करें, शुभंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, रुके हुए कामों में गति आएगी, साझेदारी में लाभ के योग हैं, कारोबारी समय शुभ रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, छात्रों की पढ़ाई में उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि गरीब कन्या को मिठाई दान करें, शुभंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, अधिकारी कार्यों से खुश रहेंगे, घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगे, संपत्ति में निवेश से लाभ होगा, घरेलू संबंध मजबूत होंगे, सुख समृद्धि बढ़ेगी। उपाय ये करें कि पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें, शुभंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, विवाह बाधा दूर होगी, नए काम सीखने का मौका मिलेगा, सामाजिक कामों में रुचि रहेगी, कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, घर में सुख शांति रहेगी। उपाय ये करें कि शाम के समय घर में गूगल से धूप करें, शुभंग 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, दफ्तर का माहौल सुधरेगा, करियर में उन्नति के मौके मिलेंगे, समाज में रुतबा बढ़ेगा, दोस्तों से सहयोग से काम बनेंगे, सेहत ठीक रहेगी। उपाय ये करेंगे यथासंभव क्रीम का जाप करें, शुभंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी।
तो दोस्तों समय है ये जानने का कि सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए सभी राशि वाले क्या करें। तो देखिए, वामन अवतार पर लाल फूल चढ़ाएं, देवी भुवनेश्वरी पर अनार का भोग लगाएं, गरीबों में गेहूँ दान करें, गाय को मसूर खिलाएं, तांबा मिष्ठान खरीदना शुभ रहेगा, नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा, आँख का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, अग्नि दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब जान लेते हैं असफलता से बचने के लिए सभी राशि वाले क्या ना करें। तो देखिए, अत्यधिक आराम ना करें, बुजुर्गों की अनदेखी ना करें, हरे रंग के कपड़े ना पहने, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, मसूर का दान और उपयोग ना करें, उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों समय है आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो घर परिवार की सुरक्षा कराएगा। देखिए, खास दिन है, एक तो श्रवण नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष की और वो भी भाद्रपद की, ऐसे में वामन जयंती का विधान है। तो क्या करें, भगवान वामन का पूजन करें और घर परिवार की सुरक्षा के लिए वामन देव पर पीतल का ताला चढ़ाएं और चढ़ावा पीतल का ताला अपने घर के मेन गेट पर लगाएं और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम तत्रूपाय विद्महे सृष्टिकर्ताय धीमहि तन्नो वामनः प्रचोदयात्। आश्वस्त करता हूँ आपको, घर परिवार को निश्चित सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।